गुंबद से ढकी ये मस्जिद भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक किस्सों में से एक की गवाह रही है। ये दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक में मौजूद सुनहरी मस्जिद है, जहां से ईरानी हमलावर नादिर शाह ने सन 1739 में दिल्ली के नरसंहार को अंजाम दिया था। यहां एक छोटी सी सीढ़ी मस्जिद के संगमरमर से बने आंगन तक ले जाती है, जहां तीन गुंबदों की सीध पर नमाज पढ़ने के तीन दालान बने हुए हैं, जो सिर्फ नमाज के वक्त ही खुलते हैं। सुनहरी मस्जिद सन 1721 में मुगलों के एक वफादार रोशनुद्दौला जफर खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बनवाई थी। ये दौर 18वीं शताब्दी का था, जब मुगल सल्तनत अपने पतन की ओर बढ़ रही थी। फिर भी भारत की दौलत और शानो शौकत दुनिया भर में मशहूर थी। उस जमाने के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह अपने राजपाट से कहीं ज्यादा अपनी अय्याशियों में व्यस्त रहते थे। अपने इसी मिजाज की वजह से उनको रंगीला शाह भी कहा जाता था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये मिजाज ही उनकी सल्तनत के पतन की वजह बनेगा। दूसरी ओर था ईरान का राजा नादिर शाह, जो अफशारी सल्तनत की स्थापना करने के बाद मध्य और पश्चिम एशिया में अपने पांव पसार रहा था। सन 1738 में कंडहार पर कब्जा जमाने के बाद नादिर शाह ने भारत की ओर रुख किया। खजानों पर नजर के साथ साथ नादिर शाह को मालूम हुआ कि मुगलिया सल्तनत अब कमजोर होती जा रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अफगानों के खिलाफ अपनी जंग के दौरान नादिर शाह के कहने पर मोहम्मद शाह ने राजी होने के बाद भी काबुल में अपने सल्तनत की सरहदें बंद नहीं करवाई, जिसके कारण नादिर शाह को वक्त और यहां तक संसाधनों की बर्बादी का सामना करना पड़ा। सन 1738 के अंत में नादिर शाह ने भारत की सरहदें पार की। उसके बाद 24 फरवरी सन 1739 को उसने करनाल में मुगल फौज पर फतह हासिल की। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दो वफादारों सादत खान और निजामुल मुल्क ने नादिर के सामने हथियार डाले और उन्होंने नादिर शाह को दिल्ली की ओर कूच करने और मोहम्मद शाह से भारी रकम वसूल करने की सलाह दी। 20 मार्च सन 1739 को नादिर शाह दिल्ली के लाल किले में दाखिल हुआ, जहां मोहम्मद शाह ने पूरे सम्मान के साथ उसके खातिर तवाजो भी की। तब नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम के इरादे से नहीं आया था। कहा जाता है कि जब नादिर शाह लाल किले के अंदर था, तब उसके सैनिक चांदनी चौक की गलियों में टहल रहे थे। उस दौरान अफवाह फैली कि नादिर शाह किले के अंदर मारा गया। ये अफवाह सुनकर चांदनी चौक के निवासियों ने नादिर के सैनिकों पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने नशे में इस हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में कई ईरानी सैनिक मारे गए थे। जब नादिर को इस बात का पता चला, तब वो चांदनी चौक होते हुए सुनहरी मस्जिद में गया और उसके सोने के गुंबदों पर खड़े होकर उसने दिल्ली के लोगों के कत्ले आम का हुक्म दे दिया। कुछ घंटों बाद मोहम्मद शाह ने नादिर से रहम की भीख मांगी, तब उस कत्ले आम पर रोक लगाई गई। माना जाता है कि इस नरसंहार में शाहजहानाबाद के करीब 30,000 निवासियों ने जाने गंवाई। इसके दो महीने बाद तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरे के साथ साथ सोना, चांदी और कई बेशकीमती सामान के साथ नादिर वापस चला गया। इस लूट ने नादिर शाह को इतना अमीर बना दिया था कि उसने अपनी ईरानी प्रजा के लिए 3 साल तक का लगान माफ कर दिया था। आज ये मस्जिद चांदनी चौक में रोजमर्रा के शोर शराबे के बीच खामोश तो खड़ी है, लेकिन फिर भी उस दर्दनाक हादसे की याद दिलाती रहती है।